हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहां पे ग्रैनोज इंडिया कंपनी क्वार्टर फोर का रिजल्ट यहां पे क्या निकल के आ चुका है। इफ़ अगर आप यहां पे देखोगे सो यहां पे किसी भी बोनस का, स्टॉक स्प्लिट्स का या फिर किसी भी डिविडेंड का अनाउंसमेंट फिलहाल यहां पे क्या किया नहीं गया है। इफ़ अगर आप इसको नीचे साइड स्क्रोल ऑन करते हो एंड लाइक आपका पेज नंबर जो 12 है वो वहाँ पे आपको दे के देखना है, वहाँ पे आपका क्या है क्वार्टर फोर का रिजल्ट वहाँ पे क्या एग्जैक्टली दिया हुआ है। सो यहाँ पे आपको क्या है स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड ऑडिटर रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड ऑफ मार्च 31, 2024 का रिजल्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे मिलियंस में दिया हुआ है, इट मीन्स कि हमको करोर में इसको देखने का है। ओके, सो करोर में आप कैसे देखोगे, जैसे कि आपको मैं अमाउंट बता देती हूँ। सो रेवेन्यू कंपनी ने कितना किया हुआ है 2024 में ईयर एंड का जो क्वार्टर है, 1176 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पे क्या एक्चुअल जो रेवेन्यू है इतना जनरेट किया हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू का जनरेट किया था 1156 करोड़ का। मीन्स प्रीवियस क्वार्टर से अगर कंपेयर करोगे सो यहाँ पे कंपनी के जो नंबर्स ऑफ जो रेवेन्यू है वो हमको कहाँ पे क्या बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी का जो ईयर एंड मीन्स जो 2024 हो गया, 23 हो गया, इसमें जो लास्ट के जो क्वार्टर होते हैं मार्च के वो कंपेयर करोगे सो 23 में कंपनी ने कितना यहाँ पे क्या कंपनी रेवेन्यू जनरेट किया था, 1196 क्रो का कंपनी ने यहाँ पे क्या रेवेन्यू जनरेट किया था। मीन्स प्रीवियस क्वार्टर में देखोगे सो लास्ट जो था उसमें कंपनी के जो नंबर्स ऑफ रेवेन्यू है वो हमको क्या बढ़ते देखने को मिले हैं। मीन्स क्या अगर आप इसको क्वार्टरली वाइज देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं, बट यहाँ पे क्वार्टरली जो एंड है उसमें कंपनी ने रेवेन्यू जो है वो कम किया हुआ है। अब बात करते हैं ईयरली वाइज, सो ईयरली वाइज में कौन से में सबसे ज़्यादा कंपनी ने रेवेन्यू किया है। 24 में देखोगे तो कंपनी रेवेन्यू किया है कितने का, 4506 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पे क्या रेवेन्यू किया, जो कि प्रीवियस ईयर भी कंपनी ने किया था 12 करोड़ का। सो कंपनी के जो यहाँ पे नंबर्स ऑफ रेवेन्यू है वो हमको क्या है यहाँ पे अगर देखोगे सो हमको कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर आप ईयरली बेसिस पे देखोगे सो कंपनी के रेवेन्यू यहाँ पे क्या है कम हुए हैं। ओके, अब बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की। सो इफ़ अगर आप कंपनी के एक्सपेंस देखते हो, टोटल एक्सपेंस आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे कंपनी ने कितना कंपनी ने एक्सपेंसेस किया है अराउंड अगर आप देखोगे सो कितने का यहाँ पे दिया हुआ है। एक्चुअली इस जगह पे देखोगे सो कितना का 1002 मीन्स अगर देखोगे तो 1002 करोड़ का ही कंपनी ने यहाँ पे एक्सपेंसेस किया है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने किया था एक्सपेंस कितने 986 करोड़ का। मीन्स अगर आप यहाँ पे टोटल एक्सपेंस भी अगर आप कंपनी के देखते हो इवन अगर क्वार्टरली वाइज भी तो वो भी हमको क्या है कम होते देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी के ईयरली वाइज पे भी देखोगे कंपनी के जो नंबर्स ऑफ जो टोटल एक्सपेंस है वो भी हमको कम होते देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली वाइज एक्चुअल अगर यहाँ पे देखोगे अमाउंट यहाँ पे एग्जैक्टली हम देख लेते हैं, अमाउंट देखने में कोई गलती नहीं करना। अमाउंट देखो 24 में कंपनी ने टोटल एक्सपेंस किया हुआ है 39,635.40 मीन्स इसको एक्चुअल हम क्या बोलेंगे कि कंपनी ने 3,964 करोड़ का कंपनी ने क्या है टोटल एक्सपेंस 2024 में किया हुआ है, जो कि प्रीवियस ईयर में कंपनी ने किया था 3,840 करोड़ का। इट मीन्स क्या कंपनी के यहाँ पे जो कंपनी के अगर इसको प्रॉपरली देखोगे सो यहाँ पे क्या है ईयरली वाइज भी कंपनी के एक्सपेंसेस इफ अगर आप देखते हो तो एक्सपेंसेस कंपनी के हमको यहाँ पे क्या है कम होते देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट्स की। सो प्रॉफिट आपको कौन सा प्रॉफिट आपको देखना है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये वाला। सो यहाँ पे कंपनी ने कितना किया हुआ है प्रॉफिट कितने का 1000 आपको काउंट करना है 130 मीन्स ये जो पॉइंट दिख रहा है 96 का वो आपको क्या इसमें ऐड ऑन करना है। मीन्स 130 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट किया हुआ है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने कितना 126 करोड़ का ही कंपनी ने किया था। मीन्स कंपनी के प्रीवियस से देखो तो कंपनी के जो नंबर्स ऑफ जो प्रॉफिट वो हमको क्या बढ़ते देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं ईयरली वाइज, सो ईयरली वाइज में कंपनी ने 405 करोड़ का प्रॉफिट किया हुआ है यहाँ पे एंड प्रीवियस में कंपनी ने 516 करोड़ का। सो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है ईयरली वाइज कम होते देखने को मिल रहे हैं, बट क्वार्टरली वाइज कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया हुआ है अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली वाइज देखते हैं तो। एंड देन अगर आप यहाँ पे कंपनी EPS देखोगे तो EPS 5.35 रुपीज का है ये क्वार्टर में, प्रीवियस क्वार्टर में 5.80 रुपीज का था। ईयरली वाइज देखोगे कंपनी ने 16.73 रुपीज दिया है EPS 2024 पे, 23 में दिया था 21.05 का। सो एक क्वार्टर के बेस पे अगर आपको बोलूँ तो कंपनी के थोड़े बहुत पॉजिटिव न्यूज आए भी हैं एंड साथ में एक क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे खासे आए हैं, प्रीवियस क्वार्टर कंपेयर करोगे तो पॉजिटिव है। सो आप इसमें पैसा डाल सकते हो। सो आई थिंक आपके जो डाउट क्लियर हो गए हैं सो गाइस बिल्कुल लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।
साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।